हेलो स्नैप लवर, वेलकम टू स्नैप वर्ल्ड। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम स्नैपचैट फिल्टर के साथ अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गैलरीज़ की फ़ोटोज़ को अलग अलग फ्रेम्स में, डिज़ाइंस में लगाकर अट्रैक्टिव स्टोरीज डाल सकते हैं स्नैपचैट पे। इसके लिए मैं स्नैपचैट पर पहले से ही काफ़ी फ़िल्टर बना चुका हूँ, सो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आप सर्च करके भी निकाल सकते हो। सर्च करने के लिए आपको स्नैपचैट को ओपन करना होगा और जिस सेंटर पे जो सर्च का आइकन सा बना हुआ है इस पर क्लिक करना होगा तो सर्च वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर आप किसी भी फ़िल्टर का नाम लिखकर सर्च कर सकते हैं, वो निकल जाएगा। जिन फ़िल्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ उनके साथ आप अपनी गैलरीज़ की फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेम फ़िल्टर का नाम है 11th फ्रेम फ़िल्टर, सो इसको सर्च करके निकाल लीजिएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये पहला फ़िल्टर ये है, इसको आप क्लिक करके ओपन कर लें। यहाँ नीचे से आपको सभी गैलरीज़ की फ़ोटो शो हो जाएंगी। इसके अंदर आपको स्क्रीन पे टैप करने पर 12 अलग अलग फ्रेम मिलेंगे, सो आप इससे कोई भी फ़ोटो यूज़ करके एडिट कर सकते हो, स्टोरीज लगा सकते हो और वीडियो रिकॉर्डिंग प्ले करके भी फ़ोटोज़ को अलग अलग चेंज भी कर सकते हो और ऐसे एडिटिंग वाली फ्रेम्स वाली वीडियो भी बना सकते हो। अगर आप किसी और सॉफ्टवेयर में जाके बनाओगे तो बहुत ही ये मुश्किल होगा बनाना ऐसे, सो आप इसमें बहुत ही इजी बना सकते हो। बस आपको प्ले बटन पे क्लिक करना है और फ़ोटोज़ को चेंज करना है। फ़ोटोज़ भी टैब पे चेंज हो जाएंगी, फ्रेम भी टैब करने पे चेंज हो जाएंगे और बैकग्राउंड में स्मोक का भी बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देगा आपकी फ़ोटोज़ को। सो आप इस फ़िल्टर को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, जैसे भी आपने फ़ोटोज़ एडिट करनी है, जो भी करना है। आप ऐसे वीडियो क्रिएट करके उस पर सॉन्ग लगा के भी स्टोरी डाल सकते हो। अगला जो फ़िल्टर है उसका नाम है कैमरा रोल फ्रेम। सर्च करने पे आपको जो ऊपर टॉप में कुछ फ़िल्टर दिख रहे हैं, जो भी मैंने क्रिएट करे हैं, इन्हें भी आप यूज़ कर सकते हो। इनमें भी आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। ये वाला फ़िल्टर भी पिछले वाले की तरह सेम ही काम करता है, बस इसमें हमने बैकग्राउंड का इफ़ेक्ट चेंज करा हुआ है, सो इसे भी आप अपने हिसाब से यूज़ में ला सकते हो। और भी कुछ फ़िल्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जिनको आप सर्च करके निकाल सकते हो। इनके नाम और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो और फिल्टर के लिए आपको अपलोड करना होगा न्यू पोस्ट अपलोड। इसमें मैंने 25 से 30 फिल्टर बना रखे हैं जो सर्च करने पे आपको शो हो जाएंगे। उनमें से आप जो भी आपको अच्छा लगे उसे यूज़ कर सकते हो और अपनी स्टोरीज में डाल सकते हो। और फिल्टर के लिए आप कैमरा रोल सनी सर्च कर लीजिएगा, उससे भी आपको काफ़ी फ़िल्टर मिल जाएंगे जिनसे आपकी स्टोरीज अच्छी एडिट हो जाएंगी। अब जल्दी से मैं आपको कुछ फ़िल्टर निकाल कर और यूज़ करके बता देता हूँ, सो आपके लिए इजी रहेगा। सो अब हम सनसेट फ्रेम सनी सर्च कर लेते हैं। इसमें भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे फ़िल्टर बना के अपलोड करे हुए हैं, यहाँ काफ़ी इफ़ेक्ट वाले फ़िल्टर आ चुके हैं जिन्हें मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। और यहीं से मैं यूट्यूब थंबनेल के लिए भी फ़ोटोज़ निकाल लेता हूँ। ऐसे आप किसी भी फ़िल्टर को बहुत ही इजीली यूज़ कर पाओगे एक क्लिक में और अपनी फ़ोटोज़ को बहुत ही अच्छा एडिट कर लोगे। अगर ऐसे ही आप किसी एप्लीकेशन में जाकर एडिट करोगे तो उसमें एक तो बहुत टाइम जाएगा आपका और दूसरा आपको पहले उस एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखना पड़ेगा पहले, क्योंकि इतनी आसानी से आप इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकाल पाओगे किसी भी ऐप में जहाँ पर आपको एक तरह का बना बनाया हलवा मिल रहा है। सो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। और भी मैंने ऐसे काफ़ी फ़िल्टर बना रखे हैं और बना भी रहा हूँ जिनके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूँगा। अगर आपको भी अपनी प्रोफाइल के लिए फ़िल्टर चाहिए, जैसे मैंने अपनी प्रोफाइल पे डाल रखे हैं जी, जैसे आपको शो भी हो रहे होंगे, सो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप मेरी प्रोफाइल सनी बहादुरपुरिया में जाकर और भी काफ़ी अच्छे अच्छे फ़िल्टर यूज़ कर सकते हो, स्किन रीटच वाले, स्मूथ स्किन वाले, मेकअप वाले, आईलेंस वाले, काफ़ी तरह के फ़िल्टर मैंने बना रखे हैं। शायद आप में से बहुत लोगों ने यूज़ भी करे होंगे। मैं अपनी प्रोफाइल का लिंक भी नीचे डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।